हेलो, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं आर्ट बोर्ड्स एंड लेयर्स ऑप्शन। तो आर्ट बोर्ड्स यानी हमारा जहाँ पे हम कोई डिज़ाइंस बनाते हैं वो पेज बोल सकते हैं या लेयर बोल सकते हैं। तो इसके अलग अलग साइज़ेस होते हैं, A3, A4, आप कौन से भी साइज़ में एडजस्ट कर सकते हैं उसको। तो हम ये हमारा ये आर्ट बोर्ड है फर्स्ट। तो हम अलग अलग आर्ट बोर्ड्स नए नए ऐड कर सकते हैं। तो उसके अरेंजमेंट करने के लिए कभी कभी फाइल्स जा पेजेस ज़्यादा हो जाते हैं और फिर हमें उसको ऑटो एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब वो सीक्वेंसली लाइन में दिखने चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। ये आर्ट बोर्ड्स पैनल्स में हम यहाँ पे तीन डॉट्स पे क्लिक करके रीअरेंज आर्ट बोर्ड्स यानी ये अरेंज हो जाएंगे। तो हम दो के कॉलम्स में इसको कॉलम्स को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। स्पेसिंग दे सकते हैं उनके बीच में, कितनी स्पेसिंग होने चाहिए एक आर्ट बोर्ड के, दोनों आर्ट बोर्ड्स के बीच में। उसका सीक्वेंस भी आप सेट कर सकते हैं। तो ओके करने से देखो ये दो लाइंस में, दो कॉलम्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पे ये स्पेसिंग भी सेम हो गई। तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं अलग अलग। एड्स हम कर सकते हैं और बहुत सारे ऐड हो जाएंगे, फिर वो अपने आप अरेंज होते जाएंगे। हम वापस रीअरेंज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। सिंपल। यहाँ पे हम आर्ट बोर्ड्स के सीक्वेंस भी, मतलब पेज नंबर भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये फर्स्ट पेज है तो इसको हम लास्ट में भी, मतलब ये 12 भी कर सकते हैं। तो वो हमारा पेजिनेशन के टाइम पे हमें उसका इस्तेमाल होगा। बुक्स के लिए कभी पहला पेज के पीछे, कवर के पीछे बैक कवर आता है वैसे। तो अब ऑप्शन नया, और भी ऑप्शन है इसमें, आप डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, नया आर्ट बुक है, आर्ट वर्क बना सकते हो, आर्ट बोर्ड एडिट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आर्ट बोर्ड्स का है। अब लेयर्स, लेयर्स में हम नॉर्मली कोई भी चीज़ अगर हमने एक लेयर पे रखी, जैसे फोटोशॉप में लेयर्स रहते हैं वैसे सेम इसमें भी है लेयर्स ऑप्शन। तो इसमें हम अलग अलग लेयर्स ऐड कर सकते हैं। हम उस लेयर्स पे अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं और उसको हाइड कर सकते हैं अगर वो चीज़ नहीं चाहिए तो। उसको लॉक कर सकते हैं, मतलब उसको कोई टच नहीं कर सकता, वो लॉक हो जाएगा उतनी लेयर। तो ये कलर सेपरेशन या फिर आर्टवर्क हमें अलग जगह रखने में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे ये राइट छोटा सा क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट, और वो लेयर के पूरे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर देगा जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे। और इसको अलग अलग कलर्स भी हम चेंज कर सकते हैं इसके, ताकि हमें आसानी हो, पता चले कि ये हम कलर अलग इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। और डुप्लीकेट कर सकते हैं, नई लेयर ऐड कर सकते हैं, सेम जैसे बाकी सब ऑप्शन रहते हैं। डिलीट ऑप्शन अलग अलग है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, और लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।